चलिए हो गई है नए दिन की शुरुआत, और नए दिन की शुरुआत के साथ मैंने भी आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बगड़ा और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम की अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं सामने अभी सूर्योदय हो रहे हैं, और अभी अभी बिल्कुल सूर्योदय हो रहे हैं, और सूर्योदय होने के बाद हमारे गांव का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल तैयार हो रखा हूँ। तो ब्लॉग की शुरुआत मैंने तैयार होने के बाद की। तैयार इसलिए हो गया हूँ क्योंकि आलोक भाई और मुकुल भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं ऊपर। मैंने मामा जी के मकान पर उनको रखा है क्योंकि वो घर नहीं आए। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा हम सेम मुखम गए, और आज के ब्लॉग में हम जाएंगे नचिकेता ताल। तो अभी एक दो दिन है वो, तो आज वो यहाँ है, कल वो यहाँ से बूढ़ा केदार जाएंगे, फिर वहीं से चले जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं नचिकेता ताल और मैं बिल्कुल तैयार हो गया हूँ। और मेरे से आलोक भाई ने मंगाया था नारंगी और घर का पिसा हुआ नमक, तो मैंने वो भी कर दिया है और निकलता हूँ आप सीधे मार्केट। इसमें है नमक और नारंगी, तो ये मैंने कर दिया। बाकी चलते हैं आप सीधे मार्केट के लिए। माँ बनाइए, ठीक है? ठीक है। तो हल्की सी चढ़ाई और उसके बाद फिर सीधे मुलाकात फिर से आलोक भाई के साथ। ओ क्या हाल है? बढ़िया। और किस्मत भी आज इतनी खराब है कि आज नेटवर्क भी नहीं आ रहे हमारे गांव में, यानी कि अगर आलोक भाई लोग अगर फोन कर रहे होंगे तो आज टावर ही नहीं है आज। क्या बोले, कभी कभी ऐसा होता है ना, हर चीज़ हमारे विपरीत होती है, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन चलिए अब आपको मिलता हूँ सीधे आलोक भाई के साथ। तो चलिए भाई, इसी मकान पे है आलोक भाई लोग। तो सामने आप देख सकते हैं फ्रिजा, इसी कार पे हम आए थे और इसी कार पे आलोक भाई लोग आ रखे हैं। चलिए फिर मिलते हैं। तो चलिए फाइनली अब आपको दर्शन कराते हैं आलोक भाई के, छत के ऊपर है। तो भाई साहब यहाँ तो ड्रोन उड़ा है, थोड़ा संभाल गए पेड़ में। तो गुड मॉर्निंग अंकल भाई, क्या हाल है? बढ़िया। गुड मॉर्निंग आलोक भाई, कैसे हो? बढ़िया 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 बढ़िया। तो भाई साहब देख सकते हैं आप यहाँ ड्रोन उड़ाया जा रहा है, लेकिन पहाड़ों में ड्रोन उड़ाना थोड़ा खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि यहाँ देखो आप चीड़ के पेड़ है और यहाँ पे तार भी है। तो चले भाई साहब ने चाय ला दी है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। लीजिए सर चाय। वो हो गया शुरू, ठीक है। और बढ़िया टन साग बस आराम कराइए अब। तो चलिए फाइनली देव भाई का इंतजार हो रहा था और लगभग एक घंटे तक उन्होंने इंतजार कराया हमको। अब हम यहाँ से निकल पड़ते हैं। हाँ जी, क्या हाल है? ये देखो ऐसे होता है ब्लॉगर का, ये भी आए तो ये भी कैमरा लेके और हम भी कैमरा लेके। कहाँ थे इतनी देर तक? जेल में तो 24 घंटे रहना पड़ता है। तो चले फाइनली हम पहुंच गए हैं चौरंगी खाल में, और यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। ये अपने भाई लोग बैठ रखे हैं। बढ़िया नाश्ता हो रहा है? बहुत बढ़िया है। तो चले अब नाश्ते का आनंद लेते हैं, उसके बाद आगे का जो 2-3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है उसको शुरू करते हैं। तो चलिए भाई, नाश्ता हमने कर लिया है, थोड़ा चाय पी लेते हैं अब। तो चले फाइनली हम निकल पड़े यहाँ से पैदल ट्रैक के लिए। और मुख्य अतिथि मुकुल भाई, कैसे हो भाई जी? रिबन काटना इन्होंने आज। मुकुल भाई रिबन काटना। अरे पीछे तो देखो प्रभु, कैसे हो? तो भाई साहब ऐसा ऐसा करना पड़ता है, किनारे रुकना पड़ता है, फिर सबको थोड़ा थोड़ा लेना पड़ता है वीडियो में, और फिर भागना भी पड़ता है। रुको भाई। तो भाई साहब मजा आ रहा है चलने में। चलिए भाई, मजा तो आ रहा है, कहीं पे छांव कहीं पे धूप,
और कहीं पे थोड़ा बहुत चढ़ाई, तीनों चीज फेस करनी पड़ती है, लेकिन मजा उसी का है। यात्रा में चलते हुए हमारे लिए अच्छी बात है कि अभी मुकुल भाई चल रहे हैं, काफी खुशी की बात है, फुल कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं और बराबर टक्कर दे रहे हैं हमको। तो चलिए 5 मिनट आराम करने के बाद हम फिर से चल पड़े हैं इस ट्रैक में। तो चलिए फाइनली आधा सफर तो हमने तय कर लिया है और यहाँ बैठने के लिए तो ये लोग तो थोड़ा बैठेंगे अभी, हालांकि मैं भी बैठूंगा अभी, लेकिन वीडियो बनाने के लिए आगे आ रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा हल्ला कर रहे हैं। बाकी यहाँ कूड़ादान के लिए है, लेकिन लोग इसके अंदर कूड़ा कम और बाहर ज्यादा फेंकते हैं। एक्चुअली जो ये पर्ची करती है ना, वो इसकी सफाई के लिए करती है। अच्छा, अभी हमने आधा से ज्यादा सफर तय कर लिया है और चल ही रहे हैं अभी, लेकिन ठीक है, रास्ता ज्यादा चढ़ाई नहीं है, नॉर्मल है। तो चलिए लगभग अब 400-450 मीटर की दूरी रह गई है, बाकी हमने तय कर लिए। मैं आगे आगे चल रहा हूँ, बाकी 3 लोग पीछे से आ रहे हैं। ऐसा करना पड़ता है, बैठना पड़ता है। अब चलो, ज्यादा रहोगे तो कल फोटो में आ जाओगे। बाकी वो लोग तो आ ही रहे हैं, तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूँ 2 मिनट। तो चलिए 10 मिनट हमने आराम किया, उसके बाद हम फिर से निकल पड़े हैं ट्रैक पे। तो ये देखिए, यहाँ पाला पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ धूप ही नहीं आती कभी। ये देखो कितना सारा पाला है यहाँ पड़ा हुआ। यहाँ बहुत सारी ऐसी धारें आ रही है जहाँ की धूप आती नहीं है और वहाँ पाला पूरे दिन भर ऐसी रहता है, तो लगा सकते हैं आप कितना ठंडा होता होगा यहाँ। और बर्फ़ के सीज़न में यहाँ 2-3 फुट की बर्फ़ गिर जाती है, यानी कि अब 1 महीने बाद यहाँ बहुत ख़तरनाक बर्फ़बारी होने वाली है। तो हम ठीक टाइम पर आए अभी, उसके बाद ये ट्रैक बंद हो जाता है। इस ट्रैक में क्या हो रहा है, कभी तो चढ़ाई आ रही है, कभी ढलान आ रही है, तो इसमें और मज़ा आ रहा है, यानी कि चढ़ाई नहीं है, ढलान भी आ रही है, तो इसमें थक कम लग रहा है। चलिए फाइनली पहुंच गए हम नचिकेता ताल। खास बात यह कि मुकुल भाई बराबर चले हमारे साथ, मजा आ गया। तो आप देख सकते हैं क्या क्या करना पड़ता है यूट्यूबरों को, कैमरा सेट करके फिर आगे जाना पड़ता है, फिर उसी कैमरे को लेने पीछे जाना पड़ता है। तो चलिए आप यहाँ आओगे तो ये मछलियों को खिलाने के लिए भी रखा हुआ यहाँ खील। बढ़िया बढ़िया, ये सही क्या भाई जी आपने। तो जब आप आते हैं तो अगर आप आटा भी नहीं लाते हैं मछलियों को खिलाने के लिए, तो यहाँ अवेलेबल है, यहाँ 10 रुपये पर प्लेट मिलता है। तो मुझे आज ही चला पता, हालांकि मैं आता हूँ यहाँ कई बार, लेकिन इस बार ये नया सिस्टम लगा, मेरे को सही लगा और ये करना भी चाहिए, ये धर्म का काम है। बड़ी बड़ी आएगी अभी,
तो पीछे था नचकेता ताल और हम इधर साइड आ गए हैं अभी, और इधर को बोलते हैं काना ताल। काना ताल का मतलब है कि ये ताल तो है लेकिन इसमें पानी नहीं, बिल्कुल सूखा हुआ है। तो यहाँ हम बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं अभी, लेकिन बर्फ में यहाँ काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ धूप नहीं आती, ये पूरा पाला पड़ा हुआ है यहाँ। काफ़ी डिफिकल्ट होता है जब दो यूट्यूबर साथ में चलो, एक ही चीज़ को मतलब अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता है। क्यों मैं तो पकड़े जाएंगी तो हम अभी एक खुली जगह पे आ गए हैं, यहाँ धूप काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अब हमने जो माल्टे ला रखे हैं इसकी खटाई बनाएंगे और वो खाएंगे, फिर थोड़ा आराम करने के बाद यहाँ से घर को निकल पड़ेंगे। तो आलोक भाई के हाथों से बनी हुई खटाई को जरा एक बार चख लेते हैं जरा। वैसे तो इनकी वीडियो में स्वाद है, तो देखते हैं इनके हाथों में कितना स्वाद है। स्वाद तुम्हारे घर के पीसे हुए नमक होगा भाई, हमारे हाथ में हमें खाली मिला ना वो तरीका होता नहीं, अरे हाथों में वो तो स्वाद। तो चलिए आलोक भाई ने खटाई बना दी है, अब थोड़ा चढ़ाते हैं देवताओं को। तो चलिए जरा चखते हैं जरा खटाई कैसी हो रही है। नमक का साथ मिर्ची और नमकीन दोनों, मजा आया। तो चलिए फाइनली खटाई खा ली है, और खटाई खाने के बाद जो अलग ही फील हो रहा है उसका मजा ही कुछ और। साथ में हमने जो कबाड़ा किया आलोक भाई ने हमें समझाया है, और हम भी आपको अपने वीडियो के माध्यम से समझाते हैं कि जहाँ भी आप कुछ भी कोई रैपर हो उसको साथ में ले जाएं या किसी डस्टबिन में डाल दें। तो चलिए फाइनली हम चल पड़े हैं घर के लिए, और काफ़ी मज़ा आया इस सफ़र में। हमारे साथ दो नए मेहमान, काफ़ी कुछ सीखने को मिला इनसे। तो चलिए भाई फाइनली थोड़ा देर में हम चौरंगी खाल पहुंच जाएंगे, और इस सफ़र में इतना मज़ा आया ना मैं बता नहीं सकता हूं आपको। कभी कभी कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके साथ सफ़र का पता ही नहीं चलता है, और आज भी मेरी लाइफ में वही दौर आया है कि मैं हालांकि चढ़ाई चढ़ा हूं लेकिन उस चढ़ाई में 1% भी मेरे को थकने लगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग थे और खासकर हमारे आलोक भाई, जिनसे कि मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बहुत बड़े यूट्यूबर हैं हमारे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हैं और हमेशा बड़े ही रहेंगे, लेकिन उन्होंने यूट्यूब के बारे में मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है कि जब मैं डिमोटिवेट होता हूँ तो मैंने उनकी जब बातें सुनी ना तो सच में वो घटना मेरे साथ भी घट रही है, लेकिन उन्होंने मेरे को इतना समझा दिया कि अब मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा और उनकी बातों को हमेशा उनका अनुकरण करता रहूँगा। बाकी चलते हैं, अभी पीछे से आ रहे हैं भाई लोग, तो अभी ऐसा है कि हम थोड़ी देर में चोरंगी खाल पहुँचते हैं, फिर वहीं मिलते हैं। यहाँ काफ़ी ठंडा हो गया मौसम अब, और वैसे भी यहाँ धूप आती नहीं है तो इस वजह से ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है हमको। तो चलिए फाइनली आ गया है चौरंगी खाल, और सामने आप देख सकते हैं चले हुए फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए जहां से हम सुबह निकले थे, और सामने आलोक भाई का कमरा और कार को यहां पे हमने पार्क कर दिया। तो आलोक भाई कैसा रहा आज का सफर? बहुत बढ़िया रहा। हाँ, अरे दिक्कत होगी यार, वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही यार यहाँ। और पहाड़ों में क्या होता है जब गाड़ी पार करते ना तो एक पत्थर जरूर रखना होता है, कई बार गाड़ी अपने आप चल जाती है ढलान पे। भूत आ जाता है गाड़ी में। क्या बोल रहे मुकुल भाई? मुकुल भाई को भूत का काफी डर है, और वो बोलते हैं कि भाई गाड़ी को भूत न टपा दे। चलिए फाइनली घर आ गए, और मैं आ रखा हूँ और आलोक भाई आ रखे, तो थोड़ा चाय पीने आ रखे हैं, और उसके बाद आलोक भाई लोग मतलब होटल पे चले जाएंगे वापस। तो मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ रहो, लेकिन भाई साहब रहने वाले नहीं, तो भाई साहब अगले दिन आएंगे कभी पक्का।